गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का जो वीडियो है ये थोड़ा अलग है और थोड़ा खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करने का सही समय और सही तरीका। आपने बहुत सारे एलोवेरा जेल के वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, उसके फायदे के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, बट अगर हम उसको सही तरीके से और सही समय पे इस्तेमाल ना करें तो हम उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो नहीं ले सकते। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल मार्केट में वैसे तो बहुत सारे एलोवेरा जेल अवेलेबल है, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल खरीद सकते हैं, बट जो एलोवेरा जेल मैं यूज करती हूँ वो है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और सबसे खास बात कि ये बहुत ही अच्छा है, इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ही ज्यादा सूट करता है मेरी स्किन को। एलोवेरा जेल के फायदों की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत सारे हैं। ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं करता? अगर कोई रैंकिंग की जाएगी कि सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की, तो आई थिंक ये जो है ये नंबर वन रैंकिंग पे होगा। जी हाँ, क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को टोन करता है। आप इसको एज अ टोनर यूज कर सकते हैं, आप इसको एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल होता है, आपको बर्न्स है, रैशेज है, ये उसको भी क्योर करता है। ये आपके पिंपल और एक्ने को भी रोकता है, उनको आने से कम करता है। इसके अलावा आप इसको वेरियस स्किन मास्क में यूज कर सकते हैं, आप इसको हेयर मास्क में यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो ये प्रोडक्ट नहीं करता है? ये आई थिंक सब कुछ करता है। अगर मैं बात करूँ सही समय क्या है इस एलोवेरा जेल को अपने फेस पे लगाने का, तो वो है सुबह। यहाँ सुबह सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए और इस एलोवेरा जेल को अपने फेस पे लगाइए, जिससे कि ये जो एलोवेरा जेल है ये आपकी स्किन में सबसे अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा और इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपकी स्किन को मिलेगा। इसके अलावा एक और समय है जब आप इस एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं, वो है रात के समय। जब आप सोने जा रहे हैं तो आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए, फेस पे कोई भी डर्ट या कोई भी केमिकल इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद आप अपने फेस पर इस एलोवेरा जेल को अप्लाई करें अच्छे से, और उसके बाद आप सो जाइए और सुबह उठ के अपने फेस को वॉश कीजिए, और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके चेहरे पे जो भी रिंकल्स है, जो भी झाइयां हैं, वो भी जो है वो कम होने लग जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी दो फिंगर्स पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, 2p साइज के हिसाब से, अगर आप इसे सुबह लगा रहे हैं तो आपको इतना ही लेना है, और उसको वार्म कीजिए अपनी फिंगर्स के बीच में, चेहरे को क्लीन कर ले अप्लाई करने से पहले, और इस तरह सर्कुलर मोशन में आप इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। जेल को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे और नेक पे भी अप्लाई करना है। इसके अलावा आप इसको अंडर आई एरिया में भी अच्छे से मसाज कीजिए, जितना ज्यादा हो सके 1 or 2 मिनट तक आप मसाज कीजिए अपने फेस पर इस एलोवेरा जेल की, और अच्छी तरह से अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे तो जो इसके फायदे हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा, आपको इसका सबसे मैक्सिमम फायदा मिलेगा। अगर आप रात को सोने से पहले इस जेल को अपने फेस पे लगा रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में ये जेल लीजिए इस तरह से, एंड अगेन उसे वार्म अप कीजिए अपने फिंगर्स के बीच में और अप्लाई कीजिए, और जो भी आपके प्रॉब्लम एरियाज हैं वहां आप इसको अच्छे से मसाज कीजिए। जैसे अगर आपकी टी जोन स्किन है, ऑयली स्किन है, आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो जहां जहां आपको पिंपल्स है, ब्लेमिशेस है, डार्क सर्कल्स हैं, आप उसमें अच्छे से 2 to 3 मिनट्स इसकी मसाज कीजिए डेली, और फिर आप देखिए कि इसका जो मैक्सिमम फायदा है वो आपको मिलेगा। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन ने बहुत अच्छे से एलोवेरा जेल को एब्जॉर्ब कर लिया है। आप इसकी 2 to 3 मिनट मसाज जरूर कीजिए, मसाज करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप रात को एलोवेरा जेल अपने चेहरे पे लगा के सो रहे हैं तो अपने पिलो को अच्छे से साफ जरूर कर लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पिलो पे बहुत ज्यादा डर्ट और डेड स्किन जो होती है वो जमा हो जाती है, जो कि ये एलोवेरा जेल जो है उसको अट्रैक्ट कर सकता है आपके फेस पर। तो बेटर होगा कि आप अपने पिलो को अच्छे से क्लीन करें एंड आप यूज कीजिए इस एलोवेरा जेल को, और मुझे बताइए कि ये क्या आपके चेहरे पे कोई चेंजेस आया है इसको यूज करने के बाद। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।